क्या हाल है मेरी जान, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका विनीत गौर और आप देख रहे हैं WTD। आज का वीडियो हमारा ज़ारा फ्रेग्रेंस रिव्यू का पार्ट टू एपिसोड है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ पे भी हमने ज़ारा के एक बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस का रिव्यू किया था एंड वहाँ पे भी कुछ गिव अवेज चल रहे हैं, जाके देख लेना। एंड आज के वीडियो के लिए भी आपको मैं जो पार्ट टू दिखाने वाला हूँ, इस फ्रेग्रेंस के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं पहले कि भाई इसका वाले के बारे में बताओ, ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जाके बताओ ये कैसा फ्रेग्रेंस है। तो भाई सिर्फ आप लोग के लिए आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ ऑन ज़ारा मैन का ब्लू स्पिरिट। ब्लू स्पिरिट ज़ारा का 2022 एडिशन वाला ये फ्रेग्रेंस है दोस्तों। अगर मैं जितना बताऊँ ना, ये दिखने में क्लासी है, उससे ज़्यादा इसकी फ्रेग्रेंस क्लासी होने वाली है। आज के वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि ये फ्रेग्रेंस कैसी है, कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्शन कैसा है, कौन से ओकेजन पे लगा के जाने के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से मेरी जान, हर फ्रेग्रेंस हर ओकेजन के लिए नहीं होती है। जिस ओकेजन के अप्रोप्रिएट लगा के जाओगे ज़्यादा स्टाइलिश लगोगे यार। एंड ऑल्सो इसकी प्राइसिंग क्या चल रही है, मुझे कॉम्बो ऑफर्स क्या मिल रहे हैं इसके, एंड इस वीडियो में कहीं पर मैंने एक गिव अवे भी छुपा के रखा, तो उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। एंड अगर तो भाई साहब आपको ये जो पहली बार इस चैनल पे आए हो, आपको परफ्यूम रिव्यूज, मेन लाइफस्टाइल, फैशन एंड न्यूट्रिशन कंटेंट देखना पसंद है, तो विंडो शॉपिंग करना कृपया बंद कीजिए एंड डू सब्सक्राइब फॉर 3 सच वीडियोस एवरी वीक, वैसे भी फ्री है। एंड हाँ, घंटा बेल दबा देना। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपके पास ज़ारा के कौन कौन से फ्रेग्रेंसेस हैं एंड आप कौन सा चाहते हो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में किस फ्रेग्रेंस का रिव्यू करूं फ्रॉम ज़ारा। ज़ारा मैन का जो ब्लू स्पिरिट है दोस्तों, ये ज़ारा का लेटेस्ट एडिशन है, 2022 का ये लॉन्च एडिशन है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूं, बहुत ही क्लासिक दिखता है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, 30 ml का, 100 ml का। 30 ml का ये बॉटल है जो मैंने लिया है फॉर दिस वीडियो पर्पस एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ देयर ऑन द कॉम्बो डील ऑफर। अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो भाई लुक के लिए 5 out of 5। नोट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरी जान आपको इसके टॉप नोट में मिलेगा टैंजरीन, मिडिल नोट में मिलेगा आपको इलांग इलांग एंड बेस नोट में आपको मिल रहा है एम्बर। फ्रेग्रेंस के नोट जितने लोगों को पता है यार, उसी से आपको समझ में आ गया होगा कि यार क्या पावर पैक क्लासिक फ्रेग्रेंस इसके अंदर। आपको स्पाइसी अरोमा भी मिल रहा है एंड स्वीट भी। जितनों को नहीं पता कि टैंजरीन की फ्रेग्रेंस कैसी होती है, तो भाई सिंपल भाषा में वो स्वीट है, फ्रूटी है एंड सिट्रसी है। तो अगर आपको एकदम सिट्रसी स्वीट फ्रेग्रेंस इमेजिन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि टैंजरीन की फ्रेग्रेंस कैसी। मिडिल नोट में यूज़ किया गया है इलांग इलांग एंड इलांग इलांग यूज़ करना एक्चुअली काफ़ी स्मार्ट मेथड है। तो बी वेरी ऑनेस्ट, इलांग से ही 3 से 4 काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एसेंस निकलते हैं। इलांग इलांग से आपको स्वीट फ्लोरल खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। छोटी सी पीली कलर की ये लीफ है, पर आपको इसके अंदर से ही मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस आते हैं। इलांग इलांग यूज़ करने से फायदा ये है ना कि उसी के अंदर से आपको 4-5 नोट्स और मिल जाते हैं। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसको नहीं पता है, तो अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताने चलूँ तो इलांग इलांग से आपको हनी, फ्लोरल, जो कस्टर्ड होती है ना, कस्टर्ड उसकी खुशबू, आप थोड़ी स्पाइसेस की खुशबू भी इमेजिन कर सकते हैं, जैस्मिन की खुशबू आती है, बनाना की भी खुशबू है एंड नेरोली की भी मिलती है, जो कहते हैं ना खट्टा ऑरेंज, वो। मिडिल नोट में यूज़ किया गया है इलांग इलांग बिकॉज आफ्टर 1 आवर आपको वो बेस नोट की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो हिट होना शुरू हो जाती है। मिडिल नोट में इलांग यूज़ करने से ना दोस्तों, बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है जैसे ही आपका फर्स्ट 1.5 hours, 1 hour कंप्लीट होता है। एंड बेस नोट में यूज़ किया है एम्बर, एंड जितनों को नहीं पता है एम्बर से काफ़ी स्मोकी फ्रेग्रेंस आती है। अब आपको मैंने नोट्स बता दिए तो मुझे डेफिनेटली पता है कोई ना कोई नीचे कमेंट करके बोलेगा कि भाई ये थोड़ा सस्ता इन्विक्टस लग रहा है, ठीक है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो यार सिंथेटिक है, ठीक है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है ये, इन्विक्टस भी है, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। मैंने इन्विक्टस के ऊपर पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर डाल देता हूँ, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने इन्विक्टस का कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। है सिमिलैरिटीज़ है, पर यार उसकी खुद की भी पर्सनैलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि ब्लू स्पिरिट की खुद की पर्सनैलिटी नहीं है, खुद की पर्सनैलिटी है उसकी एंड काफ़ी अच्छी है। थोड़ा बहुत तो नोट्स तो यार, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूजिंग गिव और टेक द सिमिलर फ्रेग्रेंस ऑयल, तो वो तो एक आएगा आपको उठ के, बट हाँ उतना सिमिलर नहीं है, तो मैं नहीं कहूँगा कि सस्ता इन्विक्टस, लाइक ये मेरे कमेंट्स नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है, बट इसकी खुद की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। अब ब्लू स्पिरिट किसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट रहने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कॉलेज, डिग्री कॉलेज गोइंग वाले एंड वर्किंग प्रोफेशनल टाइप के जो लड़के हैं उनके लिए अच्छा है। इस फ्रेग्रेंस से ना काफ़ी एक सेक्सी सी वाइब आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तुम अगर मान लो कोई बिजनेस टाइप की पार्टी मीटिंग में जा रहे हो, वेडिंग में जा रहे हो, ठीक है, समवेयर जहाँ पे कह रहे हो क्लासी एनवायरमेंट में जा रहे हो, वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं कह सकता हूँ अगर तुम कोई कॉलेज वाले हो तो क्लबिंग व्लबिंग के टाइम पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट यार वहाँ पे उतना इम्पैक्टफुल नहीं ये फील होगा। रीज़न एक और है, बिकॉज ये योदे तोलेट है, EDT है, तो थोड़ा ऑब्वियसली जैसे ही आप अपने एनवायरनमेंट में जाओगे तो उसके एक्सपोजर से इसकी जो एसेंस है आउटडोर में उतना आप ज़्यादा नहीं दे पाएगी। इसलिए आई एम सजेस्टिंग कि भाई अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इंडोर एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर EDT यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थस
थोड़े वेडिंग के हिसाब से जा रहे हो, इंडोर वेडिंग हो रहा है, कोई इंडोर पार्टी मीटिंग, कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, कोई कॉलेज वाले हो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, उस टाइप के जैसे थोड़े इंडोर एनवायरनमेंट होती है ना एसी वाली, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड अप्रोप्रिएट भी बैठेगा। डेली लगा सकते हो अगर आपकी एनवायरनमेंट ऐसी ही है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रोजेक्शन कितनी है। तो जब आप इसकी फ्रेग्रेंस को पहली बार अप्लाई करोगे तो फर्स्ट हाफ एन आवर में प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है, कह सकता हूँ मैं आधे फीट तक, एक फीट तक इसकी प्रोजेक्शन आपको मिलेगी। एंड उसके बाद आपके स्किन पे ये कितना घंटा रहने वाला है यार, इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो ले दे के मैं कह सकता हूँ 2.5 से 3 घंटा ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है अगर उसके हिसाब से मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट में कहूँ तो देखो यार, पहले 1 घंटे मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रहने वाला है, पर जैसे जैसे वो 1 घंटा ख़त्म होने लगता है उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन जो है वो गिरने लगती है, उतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रहता नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले 1 से 1.5 घंटा तक ही ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब द प्रोजेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देन 1.5 से लेके मैं 4 घंटा कह सकता हूँ आपके स्किन पे इसकी एसेंस फील होगी, बिकॉज आफ्टर 1.5 आवर इट कीप्स लिंगरिंग ऑन टिल द नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स। एंड येस, ह्यूमिडिटी मैटर करता है, मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है मुंबई में बहुत ह्यूमिडिटी है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे पसीना निकल रहा है मेरे, तो मेरी जान, ऐसे इन्वायरमेंट में ये 1.5 घंटा ही ज़्यादा परफॉर्म कर पाता है आउटडोर में। हाँ, स्किन पे तो रहता ही है, स्किन पे आई कैन स्टिल सी कि भाई फ्रेग्रेंस मैंने अप्लाई करी हुई है। एंड अगर अपने आप टी शर्ट वीशर्ट पे लगा रहे हो, पहन के जा रहे हो, देन अगेन यू कैन से कि आपको हाफ एन आवर ज़्यादा मिलेगा। EDT है, इंडोर एक्टिविटीज़ के हिसाब से ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी प्राइसिंग क्या है, तो मेरी जान इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी थी फॉर 690 रुपीज़। एंड अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो मैं नीचे ज़ारा का लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो, या यू कैन इवन विजिट द नियरेस्ट ज़ारा रिटेल स्टोर, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मेरा नीचे एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर मेरे पास कोई ज़ारा का अपडेट आता है सेल का तो मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। एंड ऑब्वियसली मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है यार, फॉर द स्ट्रॉन्ग स्मार्ट इंडियन मैन, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक नीचे मैं डाल दूंगा, इट्स फ्री फॉर ओनली माई सब्सक्राइबर्स। तो भाई अब बात करते हैं फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए आप लोग ये वीडियो को इतने एंड तक देख रहे हैं, कि भाई गिव अवे क्या हो रहा है। तो भाई हम करने वाले हैं गिव अवे ऑफ द ज़ारा ब्लू स्पिरिट। अगर आपको इसको जीतना है तो सिर्फ आपको करना है ये कि इस वीडियो को 1000 लाइक करा दो। जैसे ही 1000 लाइक आप करा दोगे, हम इस गिव अवे को अनलॉक कर देंगे। अगर उसमें पार्टिसिपेट आपको करना है तो याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इंस्टाग्राम का आईडी ये रहा मेरा, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड तीसरा, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालिए, मुझे टैग कीजिए, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपने इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लिया। बस देरी क्या है, जल्दी जल्दी जाओ, लाइक ठोको और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करो, सो दैट आपकी पार्टिसिपेशन शुरू हो जाए और मैं आपको गिफ्ट कर पाऊँ ये ज़ारा का एक ब्लू स्पिरिट। ज़ारा के फ्रेग्रेंसेज ऑफर्स में कॉम्बो चल रहा है 1290 रुपीज़ का, 1660 रुपीज़ का एंड 1990 रुपीज़ का, जहाँ पे आपको 30 ml एंड 100 ml के कॉम्बिनेशन ऑफर्स में मिल सकते हैं ज़ारा के मल्टीपल फ्रेग्रेंसेज। तो अगर आपको जाना है तो डू गो टू द नियरेस्ट स्टोर एंड चेक इट आउट। एंड मुझे यार एक चीज़ और बताना, आपको मेरा ये वाला सेटअप कैसा लगा। ये मेरा बहुत पुराना स्टूडियो हुआ करता था, मैं बहुत टाइम के बाद यहाँ पे वापस आया हूँ शूट करने के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको ये सेटअप ओवरऑल कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देन हम लोग मोस्टली फ्रेग्रेंसेज वीडियो यहीं पर शूट करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये वाला सेटअप कैसा लग रहा है। एज ऑलवेज मेरी जान, मुझे पता है आप लोग जहां पर भी रहेंगे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने घर वालों का ध्यान देंगे। मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डूडा में बाय।